दोस्तों टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री जूही परमार के पति सचिन श्रॉफ अब बहुत जल्द दूसरी शादी करने जा रहे हैं। इससे पहले उनकी शादी एक्ट्रेस जूही परमार से हुई थी, पर शादी के कुछ समय बाद साल 2018 में दोनों की राहें अलग हो गई। लेकिन अब सचिन श्रॉफ ने मूव ऑन करने की पूरी ठान ली है, जिस वजह से वो अपनी जिंदगी में जूही परमार की जगह किसी और को दे रहे हैं। पर आखिरकार सचिन श्रॉफ की होने वाली पत्नी कौन है और किससे कर रहे हैं सचिन श्रॉफ बहुत जल्द दूसरी शादी, और कब होगी इनकी दूसरी शादी, इन सभी सवालों का जवाब आज की हमारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सचिन कई फिल्में जैसे आश्रम में बॉबी देओल और डबल एक्सएल में सोनाक्षी सिन्हा के साथ नजर आ चुके हैं, तो वहीं अब टीवी के लोकप्रिय शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के साथ हाल ही में जुड़े हैं, जो सभी को तारक मेहता बनकर मनोरंजन कर रहे हैं। और अब इनसे जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि एक्टर सचिन श्रॉफ अब दूसरी शादी रचाने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें इनकी पहली शादी एक्ट्रेस जूही परमार से हुई थी। दोनों ने साल 2009 में एक दूसरे से शादी की थी। दोनों की एक बेटी समायरा भी है जो अपनी माँ के साथ रहती है। शादी के कई सालों बाद दोनों ने 2018 में तलाक ले लिया। जूही सिंगल मदर है और अपनी बेटी की परवरिश कर रही हैं। और खबरों के मुताबिक सचिन मुंबई में परिवार और करीबी लोगों के बीच 25 फरवरी को साथ फेरे लेंगे। हालांकि उनकी होने वाली पत्नी के बारे में खास जानकारी पता नहीं चल पाई है, लेकिन खबरों की माने तो वो अपनी बहन की दोस्त के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। सचिन का परिवार और लड़की का परिवार इस शादी को प्राइवेट रखना चाहता है। ये एक अरेंज मैरिज है और परिवार चाहता है सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसलिए प्राइवेसी मेंटेन की जा रही है। हालांकि शादी की खबर को लेकर सचिन या उनके परिवार की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया, पर बताया जा रहा है कि सचिन की होने वाली पत्नी इवेंट ऑर्गेनाइजर है। सचिन अपने परिवार के कहने पर ही ये शादी कर रहे हैं। वेल दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं सचिन श्रॉफ की दूसरी शादी होते हुए देखने के लिए, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।